स्टूडेंट्स के अपने दोस्तों के लिए जो है वो जो अल्फाज या अपने जो उसने व्यूज रखे हुए हैं वो यहाँ पर आए और अपने दोस्तों के लिए गए। ईमान खातून, रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम नो यारा मेरे जुदा मत ना होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बड़ी है मेरी ये दुआ ओ मेरे यार तू मेरा तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत हो हो मिल के बिताए जो पल हम कभी फजाए ये खिल सी उठे जवां मर्दी हिम्मत से है जिंदगी हवाएं ये कहने लगे सही है समाज मैं जहां गाए जमी आसमां ओ मेरे प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। दोस्त दोस्त नहीं होते, दिल की दुआ होती है, एहसास तब होता है जब दिल से जुदा होते हैं। जी ये जैनब थी जो कि अपने दोस्तों के लिए जो है यहाँ पर तो लिखा था कि ये शायर पढ़ेगी लेकिन इसे सॉन्ग डेडिकेट किया था अपने जाने वालों के लिए। तो ऐसे बच्चे जैसे कि आपको पता है कि ये फंक्शन है वो हमारे लिए बेसिकली एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सर्मनी के तौर पर जो है वो अरेंज किया गया था। इसीलिए जो है अब मैं स्टेज पर हमारे जो इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं आजम साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेस्ट सेशन के अंदर उनके लिए जो है वो प्राइज देंगे। सर आजम साहब आप क्या कहेंगे? ठीक है मुझसे बच्चे बैठेगा। नाइन्थ क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स लिए थे और डिसाइड करना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड और किसको थर्ड किया जाए क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए तीन से चार बच्चे ऐसे थे जिनकी पोजीशन सेम बन रही थी। तो कलेक्टिवली जब इनका रिजल्ट देखा गया तो फिर हमारे पास जो है एनालिस्ट हुए। इसमें एक और बच्ची है जो कि थर्ड पोजीशन पे आई है नाइन्थ क्लास में, दोबारा उसको जो है बुलाऊंगा खदीजा, वो स्टेज पर आए और अपना थर्ड प्राइज शुरू करें। खदीजा बच्चे मेरा ख्याल है जितनी सर्दी आप लोगों को क्लैपिंग करके यहाँ पर थोड़ी सी हीट पैदा करनी चाहिए। तो ये तो बच्चे प्राइज नाइन्थ क्लास में दोबारा जो है एक और बच्ची है जिसने थर्ड के बाद है वो सेकंड पोजीशन गेन की है। अब सेकंड पोजीशन के लिए मैं स्टेज पे बुलाऊंगा किंजा इलियास को कि वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज दे। अच्छा बच्चे ये तो हो गया हमारे पास दो थर्ड पोजीशन एक सेकंड पोजीशन। अब फाइनल जो है हमारे पास एक फर्स्ट पोजीशन आती है। अब हमारे लिए ये भी डिसाइड करना बड़ा टफ था लेकिन जब सारे टीचर्स ने जो है वो अपनी राय दी तो फिर हम लोग जो है एक बच्चे को सिलेक्ट कर सके। फर्स्ट पोजीशन गोज टू सबा रियाज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस बच्चे ने जो है इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इसका जो पेपर अटेम्प्टेशन का तरीका था और उनके तकरीबन हर टेस्ट के अंदर जो है वो पूरे पूरे नंबर आ रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को बच्चे बताता हूँ कि हमारे इस एकेडमी के प्रिंसिपल साहिबा हैं वो तशरीफ ला रही हैं, सो प्लीज आप उनके लिए एक वार्मली क्लैपिंग कर दीजिएगा। मैडम साहब शुक्रिया मैडम आप आए और हमारी एकेडमी को चार चांद लगाए, हमारी महफिल की ओर बढ़ा दिए। अब 10th क्लास की बारी है, ये थे बच्चे 9th क्लास में जिन्होंने जो है वो अच्छे मार्क्स लिए और अच्छी पोजीशंस गेन की। तो ओवरऑल एज ए होल आप लोग जो है पूरी 9th क्लास के लिए प्लीज क्लैपिंग कर दीजिएगा।
टेंथ क्लास की बारी है, तो टेंथ क्लास में जो है एज यूजुअल जिस तरह हमारे पास नाइन्थ क्लास में 5 से 6 बच्चे थे, इसी तरह टेंथ क्लास में भी ऐसे था, लेकिन हम लोगों ने जो है यहाँ पर 3 पोजीशन जो है वो फाइनल की थी। तो थर्ड पोजीशन के लिए मैं टेंथ क्लास से दावा दूंगा महक आसिफ के, वो स्टेज पर है और अपना प्राइज रिसीव करें। महक आसिफ सेकंड पोजीशन के लिए है, मैं दावा देता हूँ हमारी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है और बहुत काफी ज्यादा शरीफ है, जो कि क्लास में इतना ज्यादा बोलते नहीं है, फसीहा, वो स्टेज पर है और अपना प्राइज वसूल करें। सेकंड पोजीशन गोज़ टू फसीहा। पोजीशन के लिए हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि वैसे आती तो जस्ट टेस्ट सेशन के लिए थी और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि हमारे लिए ये सिलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं था कि, और नाइन्थ क्लास में भी इसके बहुत अच्छे मार्क्स से हमारी एकेडमी में टॉपर रही है। तो मैं हिजाब फातिमा को दावा देता हूँ कि वो आए और अपना फर्स्ट प्राइज रिसीव करें। प्लीज इस स्टेज पर जाकर सर आजम का कहना है कि इस बच्ची ने ना मेरा खर्चा सीटों की वजह से बढ़ा दिया है, इसने एक्स्ट्रा सीटें इतनी यूज़ की है कि मेरा बजट लो हो रहा था। सर आपके लिए अब फंक्शन के अंदर थोड़ा सा एंटरटेन लेकर आते हैं, तो एक छोटी और फनी सी स्पीच के लिए मैं सेकंड ईयर का एक लड़का अली हसन है, उसको दावा दूंगा कि वो स्टेज पर आए और जो उसने स्पीच तैयार की वो अपने साथ। सितमगर नहीं कहते क्या जहां वाले तुझे सितमगर नहीं कहते, कहते तो हम मगर तेरे मुंह पर नहीं कहते। उम्र लेक्चर में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र लेक्चर में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हमें पढ़ाई की फिक्र हो ये जरूरी तो नहीं। नींद तो सारे चांद के लेक्चर में भी आ जाती है, नींद तो सर चांद के लेक्चर में भी आ जाती है, सर फलक का लेक्चर हो ये जरूरी तो नहीं। पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है, पढ़ाई को खेल इन निकम्मों ने समझ रखा है, इनको सपली कदर हो ये जरूरी तो नहीं। पलभर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर फसाना लगता है, टीचर का गुस्सा डराना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। नए न्यूमेरिकल नए लेक्चर नए थ्योरम, नए न्यूमेरिकल नए लेक्चर नए थ्योरम, नए नए डेमो नए नई नई उलझन, अब तो पागल सा जमाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, टीचर का गुस्सा डराना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। समझ नहीं आते समझ नहीं आते ये मुझको मैथ्स के थ्योरम, फिजिक्स के न्यूमेरिकल और लॉज ऑफ न्यूटन, मुश्किल अब पीछा छुड़ाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। इन सीनियर से अल्लाह बचाए, इन सीनियर से अल्लाह बचाए, इनकी मस्तियों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, इनकी मस्तियों से अल्लाह बचाए, इनकी शक्लों पे हरगिज ना जाना, इनकी शक्लों पे हरगिज ना जाना,
इनकी बातों में हरगिज ना आना, इनकी शक्लों पे हरगिज ना जाना, इनकी बातों पे हरगिज ना जाना। चीटिंग करते हैं सीटे बदला कर, चीटिंग करते हैं सीटे बदला कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। अब अली जेब के लिए, ये जो तुम बात बात पर सबको हंसाते हो, ये जो तुम बात बात पर सबको हंसाते हो, इतनी चवले कहाँ से ढूंढ लाते हो। बहुत अच्छे अंदाज में किया, तो अली हसन और अली सेठ के लिए आप सब क्लैपिंग कीजिएगा। अच्छे तरीके से पसंद है। अब जो है मैं आपके इस एकेडमी के प्रिंसिपल जो है उनको स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने हाथों से जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है उनको जो है वो शील्ड और इनाम से नवाजें। मैडम सर प्लीज आ जाइए। हमारे पास 9th और 10th जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था, तो हमारे पास दो क्लासेस और हैं, एक फर्स्ट ईयर आ जाती है और एक सेकेंड ईयर आ जाती है। तो सेकेंड ईयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर और 10th क्लास जो थी वो हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं जिन्होंने अभियान से लीव करना है। सेकेंड ईयर से थर्ड पोजीशन जो है वो हमारे पास आपना ने गेन किया है, आपना रहमत अली, प्लीज़ वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज वेल करें। आप प्लीज़ क्या करेंगे, आप अच्छा जल्दी आइए। बता सेम ऐसे है, हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा थे जिन्होंने वो परफॉर्मेंस दी थी। अब थर्ड पोजीशन इसके साथ साथ है, एक और बच्ची है जो कि तबिता है, प्लीज आप स्टेज पर आ जाए और अपना प्राइज शुरू करें। तबिता वो सेकंड ईयर से गेन की है आयशा हैदर ने, प्लीज आप स्टेज पर आकर अपना प्राइज सुन करें। आयशा हैदर अच्छा आप लोग हैं इन बच्चों के लिए आप लोग प्लीज करें। एज यूजुअल फर्स्ट ईयर में जो है जिस बच्चे ने टॉप किया था हमारी एकेडमी से फर्स्ट पोजीशन उसी को जाती है, तो मैं हफ्सा डार को दावा देता हूं वो स्टेज पर आए, वो अपना प्राइज सुन करें, फर्स्ट पोजीशन गेन किया इसने हफ्सा डार। सेकेंड ईयर के बाद अब बारी आती है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में जो थर्ड पोजीशन गेन की है मैं दावा दूंगा राबिया सर्वर को, वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज वसूल करें। राबिया सर्वर प्लीज कम ऑन स्टेज। सेम एज फर्स्ट ईयर के साथ साथ थर्ड पोजीशन के साथ जाए सेकेंड ईयर महम सुफी को दावा दूंगा कि वो स्टेज पर आए अपना प्राइज वसूल करें। सेकेंड पोजीशन के लिए महम सुफी फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी एक बड़ी और हार बची है और काफी अच्छा जो है इसके अंदर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बोल भी लेती है, तो मैं इजा फातिमा को दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज वसूल करें। और भाई को मैं कहूँगा अपनी जुबान अपने मुंह में रखें। चले ये हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। अब मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वापस अपने निशीष पे चले गए। जी सही आंसर, बिल्कुल सही आप इसका दे दीजिए। रोजे का सवाब है वो अल्लाह ताला खुद देगा, क्योंकि रोजा जो है वो इंसान रखना होता है, अल्लाह ताला कहते हैं इसका अजर है मैं खुद दूंगा। ये एक चॉकलेट से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट कह रहे हैं, आप लोगों का माइंड एक दफा रिफ्रेश हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं इस एकेडमी के ऑनर जो है हमारे पास आज़म है, उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, वो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जो बच्चा उस क्वेश्चन के आंसर सही देगा उनको जो है वो फिर प्राइज के तौर पर चॉकलेट मिलेगी। सो प्लीज कैपिंग कीजिएगा सर आज़म के लिए। मैं जब स्टेज के ऊपर या हॉल के अंदर आया था उस टाइम क्या था? गुड, बिल्कुल सही आंसर है इसका। सर जी कौन कौन रहो? अच्छा अब फिर बॉयज की तरफ ही क्वेश्चन होगा, कल छुट्टी के टाइम कुछ बच्चे बड़ी स्पीड से निकले बाइक पे
और किसी एक ने प्लग चोरी किया, वो कौन था? आप लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया मेरा गर्ल्स में से? नहीं सही बताया ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया मेरा? दो बच्चों के नाम लेता हूँ, एक हजाब और एक जैनब साबर। बताएं हजाब के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जैनब के लिए? हजाब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बेटा इस तरह फनी होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चनिंग तो चलते रहते हैं और फनी क्वेश्चन के साथ एक तो एंटरटेन होता है और जो छुपी हुई बीमारी वो बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आज कौन सा टीचर नहीं आया? नहीं, ये आंसर थोड़ी मैंने पूछा है, आप लोगों ने सिर्फ हाथ रेज करना था। कल कौन सा टीचर छुट्टी पे था? कल कौन करेगा? ये कैसे कर लेते, कल कौन छुट्टी करेगा? क्लैपिंग होनी चाहिए, सर ने दो दिन पहले छुट्टी अप्रूवल करवाई हुई है। साजी तो हम बच्चा हम दस रहे हैं चार पांच सवाल और कर लिए। ओके, मेडिकल जो बायो के स्टूडेंट है सेकंड ईयर के बॉयज, इन्होंने एक मंथ के अंदर कितने रूम चेंज किए? आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। सेकंड ईयर बॉयज जो सिर्फ स्टडी करते आगे, उन्होंने एक मंथ के अंदर कितने कितने रूम चेंज किए हैं? पहला रूम कौन सा था आपका? नुक्कर रमजान जो है वो किस डेट को और किस दिन को आ रहा है? रमजान जो है किस दिन को और किस डेट को आ रहा है? नहीं आपने पूछा है जी, ओके क्लैपिंग दे इसको। आगे आगे जी, ज्यादा क्वेश्चन तो आगे हो जाए। ओके ओके, बॉयज में से एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको जो हाथ के साथ जो पावर लगाते हैं पंजा, वो स्टेज पर दो बॉयज ऐसे आए वो लगाए, उसके बाद जो है ना वो सारे अपने फलक का इजहार करें, लेकिन काइंडली अब ये अल्फाज दोबारा नहीं कहने के मेरे पास अल्फाज नहीं है, प्लीज इस बच्चे के लिए क्लैपिंग कीजिएगा। आपकी क्लैपिंग से एक तो बच्चे का हौसला बढ़ जाता है, उसमें बोलने की थोड़ी सी पावर आ जाती है। अस्सलामुअलैकुम, यहाँ का टेस्ट सेशन बहुत अच्छा है और यहाँ पे मुझे मेरी दोस्तें मिली हैं और सर आज काफी अच्छे हैं, बस मैंने यही कहना है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फर्स्ट ईयर की तरफ, इंटर की तरफ। फर्स्ट ईयर से जो है इज़ा फातिमा को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी वर्डिंग में है अपने ख्याल का इजहार करें। इज़ा फातिमा प्लीज, आप लोग जरा कमूस लेगा, बाकी बच्चे आप लोगों को उधर ही बैठ के करनी आती है, मजा आता है आप लोग इधर आके बोले प्लीज कर दीजिए। बच्चे सबसे पहले तो मैं अपने तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने फर्स्ट साल में हमारे ऊपर इतनी तवज्जो दी, इतना डांटा भी है, हमें प्यार से भी
समझाया, हमें डांट के भी पढ़ाया। इनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, इनके बारे में अल्फाज वाकई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने उस्तादा के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। उस्तादा को भी ना भूलना हरगिज यारो, उस्तादा को भी ना भूलना हरगिज यारो, कि इनके नक्शे कदम पर कदम सदा रखना। उस्तादा हो तो ऐसे हो जैसे है अपने, उस्तादा हो तो ऐसे हो जैसे है अपने, मैं इनको कभी अपने दिल से जुदा करना। शुक्रिया। ये भी चीज़ें बात करते थे कि उन्होंने जो है वो अपने वर्डिंग में एक शेर के अंदाज में जो है वो टीचर को खराज तहसीन पेश किया है। अब सेकंड ईयर से जो है मैं दावा देता हूँ हफ्सा डार के कमेंट स्टेज पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें। हफ्सा डार सेकंड ईयर से प्लीज क्लैपिंग कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं सर आज़म की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फ़ख्र में थोड़ा सा टाइम फ़ख्र से गुजारने का मौका दिया। उसके बाद मेरे जो उस्तादा इकराम मुझे पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ा के जा चुके हैं, और जो मेरे पिछले उस्तादा इकराम हैं, मैं उन सब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं है तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ हूँ तो उनकी वजह से हूँ। अल्लाह ताला फ़ख्र अकेडमी को और इस इदारे को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए, और मेरे उस्तादा इकराम और यहाँ बैठे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। ये भी सेकंड ईयर हमारे वो सीनियर स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है वो अपने अल्फाज में टीचर्स को और इस एकेडमी को जो है वो एक अकीदत से और अखराज तहसीन पेश किया है। अभी बच्चे आप लोगों को बताइए, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इन्होंने जितनी भी पोजीशंस गेन की है, इन्होंने हाउ नो सीखी है, इन्होंने एबीसी से लेकर जी तक जो भी सीखा है, जाहिर सी बात है इनके पीछे जो है वो टीचर्स का ही हाथ है। तो यहाँ पर जिस तरह हम लोग बच्चों को या स्टूडेंट्स को उनकी इनकरेजमेंट की वजह से या उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से प्राइज देते हैं, तो हमारे पास इन टीचर्स को भी एक खराज तहसीन कह लें या इनको हौसला अफजाई के लिए कह लें, जिस तरह भी आप लोग कहते हैं, उनको भी जो है प्राइज देने के लिए हमारे पास है। तो मैं सर आज़म को स्टेज पर बुलाऊंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने हाथों से अपने इन टीचर्स को जिन्होंने इस तरह बच्चों को पढ़ाया और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, उनको प्राइज से नवाजें। सो प्लीज़ बच्चों क्लैपिंग कीजिएगा और सर प्लीज़ आप। और मेरी पहली बात कि ये तो मुझे इस एकेडमी में पहला ही नाम मिला, ये मैं अपने बच्चों के नाम करता हूँ, ये सिर्फ इन बच्चों की वजह से है, वरना मैं इस काबिल नहीं, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। किसी भी उस्ताद की पहचान और उसका इश्तेहार, उसकी एडवर्टीजमेंट उसके बच्चे होते हैं। बच्चे हर चीज आगे शेयर करते हैं, घर बताते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, तो यही सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट है। तो ये सब कुछ बच्चों की वजह से है। दूसरी बात, फ़ख्र अकेडमी ऑफ साइंसेज जो वाकई काबिल फ़ख्र है, काबिल इफ्तिखार है, सिर्फ उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस फ़ख्र के नीचे रह के अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा के लिए काबिल फ़ख्र बन जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है उन बच्चों का जो कि फ़ख्र अकेडमी तले रह के भी अब सबके लिए काबिल फ़ख्र नहीं हो पाए, सबका स्टूडेंट और जो मौजूदा तालिबे इल्म हैं वो भी जो काबिल फ़ख्र नहीं हो पा रहे, वो भी अपनी मेहनत करें और एक पढ़ाई से हट के रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। आपको एक दूसरे की मदद के लिए और एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे की मुश्किल में आसानी पैदा करने के लिए पैदा किया गया, वरना इताअत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। तो आपको अगर फरिश्तों से अफजलियत दी गई है तो इसका मकसद सिर्फ यह है कि दूसरों के साथ पेश आना, दूसरों की मुश्किल को समझना और दूसरों के चेहरे को आसार को समझना कि कौन क्या तलब कर रहा है। तो फ़ख्र अकेडमी की वजह से ये सारी आपके सामने बाहर हैं। आप फ़ख्र अकेडमी के लिए, आप जो बच्चे जा रहे हैं टेंथ और सेकेंड ईयर क्लास, वो अपने पीछे अगर जा रहे हैं तो अपने ऐसे निशान और ऐसी पहचान सबक कर जाए कि जब भी आपके बाद आपकी सीट पे कोई और बच्चा बैठेगा, कोई बच्चा अगर कोई फर्स्ट आया तो उसकी एक प्रॉपर सीट है हर क्लास में कि वो वहाँ पे उस कॉर्नर में उस बेंच पे बैठा करता है। तो जब भी कोई बैठेगा तो आपके बाद वालों को बताया जाएगा कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं यहाँ वो बच्चा बैठा करता था जिसने टॉप किया था। आपको मिसालों के लिए जिंदा रखा जाएगा यहाँ पे, मिसालें देखिए।
यू सो मच अल्पाज का ये थे सर हरक जिन्होंने जो है वो अपनी इंग्लिश में अपनी उर्दू में जो है वो अकेडमी के बारे में और इस अकेडमी के होनहार तलबा के बारे में बोला था। अब हमारे नेक्स्ट टीचर जो है जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था जिनको तोड़ना वाकई में बड़ा मुश्किल है तो मैं आपकी भरपूर क्लैपिंग में दावत दूंगा चांद प्यारा साहब को क्योंकि अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू अकबर साहब, थैंक यू सुल्तान साहब, सुल्तान हजरत लड़ी। तो ये भाई जैसे कि आप लोगों के सबके सामने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों की परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया, ठीक है, रिवार्डिंग भी हुई है, रिवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो फलक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो स्टूडेंट है, जो शागिर्द है, वो अपने उस्ताद का इश्तिहार होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ना सिर्फ अपने असातिज़ा का आप इश्तिहार हैं बल्कि आप अपने वालदैन का भी इश्तिहार हैं। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर कह दिया जाए कि सब कुछ है तो गलत नहीं होगा, अपने से ऐड करना चाहूँगा एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है इट मीन्स के उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, इट मीन्स के उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी को जो है ना फॉलो किया है, सीरियसली है चीज़ों को। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ज़िंदगी में कोशिश करें कि पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें, तभी जाके मुमकिन होता है कि आप अपने वालदैन का भी अच्छा इश्तिहार बन सकें और अपने असातिज़ा का भी अच्छा इश्तिहार बन सकें। और कोशिश करें हमेशा अच्छाई फैलाएं, अच्छाई को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वही आपकी तरफ पलट के आना है, ठीक है। तो एक बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी किताब को छोटे लफ्ज़ों में बंद करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें हमेशा, बा अदब रहें, बा मुराद रहेंगे। शुक्रिया। अब हमारे पास एक बड़े ही चुप रहे से टीचर है जो कि अपनी जवानी की दास्तानें सुनते हैं और समझ तो आप लोग गए होंगे, लास्ट टाइम उन्होंने फंक्शन पे एक बड़ी अच्छी जो है अपनी यूनिवर्सिटी की दास्तान सुनाई थी कि हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं, क्या बताएं आपको। तो मैं दावा देता हूँ आपकी भरपूर क्लैपिंग में सर नज़ाकत साहब को। ये मैंने इसलिए बोला था कि बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि जो ऊपर तस्वीर लगाई है वो तो जवानी की है। अब जरा सर से भी थोड़ी सी मीठी मीठी खट्टी मीठी और कड़वी बातें करते हैं, वो भी अपनी यूनिवर्सिटी की दास्तान को ले लें, अभी बुढ़ापे की दास्तान को ले लें, कोई भी अल्फाज है वो इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन भी करें और अपने बारे में बताएं और एकेडमी के बारे में भी जो है वो कुछ अल्फाज का चुनाव करें। समझा। आप लोग सब वाकिफ हैं मुझसे, सर नज़ाकत अकेडमी के बारे में अल्फाज है चंद, दिस इज अकेडमी, इट इज अकेडमी, दिस अकेडमी नेम इज बकर अकेडमी, आई लाइक इट वेरी मच, इतने ही अल्फाज है। अच्छा, कभी हम भी कल यहाँ पर बैठे हुआ करते थे, इन्हीं स्टेज पे आया करते थे अपना इनाम वसूल करने, लेकिन वो कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं था, वो बेस्ट स्टूडेंट का था, क्योंकि लायक तो हम थे नहीं, सिर्फ क्या थे, अपने उस्ताद के ताबेदार थे। सर मैंने क्या बोला है, हम अपने उस्ताद के ताबेदार थे और तब भी हम फख्र महसूस करते थे फख्र में आते हुए, और अब टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, अभी भी फख्र महसूस करते हैं। हाँ, एक और बात, जब मैम सनम फीस लेने आती हैं आप लोगों से तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, जब हम थे हमसे भी फीस लेने आया करती थी मैम, हम कहते थे ओ मैम आ गई को बहाना सोचो,
और आप लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ना अभी महसूस होता है उधर जो टीचर्स की सैलरी है ना वो आप लोगों से आनी है, तो आप लोग बहाने ना तलाश किया करें, तो काइंडली टाइम पे। हाँ, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पेंडिंग ही है। चले, बहुत शुक्रिया। फखर को अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह फखर नवाजे, आमीन। और ये जो बंदा इधर खड़ा है इस टाइम, सर आजम सुल्तानी, हम उस दौर में थे यहाँ जब पहला साल था इस एकेडमी का। इस बंदे को मैंने तब भी देखा था मेहनत करते हुए जैसे आज कर रहे हैं। पहले क्या था, इतने वसाइल नहीं थे जितने अब हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत से वसाइल हैं, उधर टेस्ट सेशन आपका बकायदा होता है, हमारी दफा ऐसा सीन नहीं था, लेकिन हम लोग फिर भी मैनेज किया करते थे। इधर सफाई वाला इंतजाम नहीं था, हम क्या करते थे, टाइम से पहले आके, मैं सर आजम साहब और एक और दोस्त हमारे, हमने पहले पूरी अकेडमी की सफाई करनी होती थी, उसके बाद जाके हमने पढ़ना होता था। हमें पता था कि ये हमारा घर है, और अब किसी को कह दें कि यार ये कर दो, बस इधर से उठा के चीज इधर रख दो, तो आवाम गुस्सा कर जाती है। तो उधर इस चीज को कम करवा दो, शुक्रिया। ये ऐसे नहीं फकर यहाँ तक पहुंची, बड़ी मेहनत करके पहुंची है। थैंक यू सर। ये हमारे पास है सर जाकत से उठते थे, इंग्लिश इन्होंने अच्छी बोली है, मेरा दिल कर रहा है मैं आईसी क्लास इनसे ले लूं, ठीक है। यकीन करें इतनी इजी इंग्लिश मुझे पहले नहीं थी आती, ये तो मुझे पता चल गया कि इंग्लिश किसको कहते हैं, हर वर्ड के साथ इट इज ये होता है वो होता है। सही बात है, मैं तो ना आप सर थोड़ा की छुट्टी करा दी है यहाँ सर आजम से कह के इनको रिकवा रहे हैं, जितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहूँगा इट इज सर जाकत, सर जाकत इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अब मैं जो है वो अपने इस फंक्शन को क्लोजिंग पे करता हूँ, और मैं सर आजम को जो है वो माइक पकड़ाऊंगा कि वो अपने ख्यालत का और अपने जाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में कुछ है वो फरमाएं। सर आपकी भरपूर क्लैपिंग में सर सुल्तानी सर। सेकंड ईयर, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि ये हमारा जो प्रोग्राम है टेस्ट सेशन के फौरन बाद ये पहली बार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से हम इसी रूटीन से टेस्ट सेशन लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रोग्राम शॉर्ट टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिनमें बच्चों को पोजीशन और शील्ड की शक्ल में इनाम दिए, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो बच्चे, सारे बच्चे अच्छे और अच्छा पढ़ने वाले हैं, और पोजीशन 1, 2, 3 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, अगर इससे ज़्यादा पोजीशन हो तो वो पोजीशन नहीं होती। तो आप लोग जो पोजीशन नहीं ले सके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर्ड के अंदर मज़ीद ज़्यादा मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें, अपने वालदैन का अपने उस्ताज़ा का सर बुलंद करें। आपके वालदैन ने आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो उम्मीदें क्या हैं, क्या आप उनको कमा कर देंगे, नहीं, क्या वो आपकी कमाई खाएंगे, नहीं, वो आप लोगों से सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी इज्जत जो है वो बरकरार रहे। जो बेटियां जो बेटे जब किसी अदारे की तरफ रुख करते हैं तो अपने वालदैन की इज्जत को देखकर चलें, गलती की गुंजाइश ना पैदा करें जिसमें वालदैन का और उस्तादा का सर नीचा हो, किसी अदारे का सर नीचा हो। अगर आप इस अदारे के अंदर आके कोई मिसबिहेव या मिस टीचर्स के साथ मिसबिहेव पैदा करते हैं, तो वो टीचर्स के साथ नहीं हो रहा, वो आप लोग खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो सबको एक जैसा दिमाग दिया है, ज़हन दिया है, लेकिन उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें ना कि नेगेटिव इस्तेमाल करें। नेगेटिव जो इस्तेमाल करता है वो इधर भी जलील होता है, आने वाले वक्त और आखिरत में भी जलील ही होता है। हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बात सुननी चाहिए। जो बुरे दोस्त होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, हमें बुराई से दूर होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, अहले किताब हैं, और हमें इन चीज़ों का फोकस होना चाहिए, और हमारे अंदर हकूकुल इबाद होना चाहिए। दीन एक अपनी जगह पर होगा, मज़हब एक अपनी जगह पर होगा, लेकिन हकूकुल इबाद एक अपनी जगह पर होगा। हर गुनाह करने के बाद भी आप बख्शे जाएंगे, लेकिन जो हकूकुल इबाद के साथ किसी इंसान का दिल दुखाया होगा, बख्शिश तो दूर दूर से नहीं होगी। यह हर मज़हब में वाज़ह तौर पर बताया गया है। तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट की जाती है अपने उस्तादा की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मोहल्लेदारों की, रास्ते में आने जाने मुसाफिर की इज्जत किया करें। अगर आज आप अपने
आस पास के लोगों की इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो वो आप लोगों के दिल में दुआ जरूर देंगे, वाजा तो नहीं करेंगे लेकिन दिल में जरूर दुआ देंगे। जो दिल से दुआ होती है वो कबूल भी होती है, इस चीज को तो आप मानते हैं ना। तो आप अपने दिल से दुआ और दिल से नियत से रिस्पेक्ट करें अपने उस्तादा की, अपने रिश्तेदारों की, अपने हमसायों की, अपने आसपास दोस्तों की, किसी को गलत गाइड ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि आज से नियत करें कि हमने हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, बात सुना करें, अपनी एक्सप्लेन जो है ना वो ना दिया करें, और खासकर अपने उस्तादा को एक्सप्लेन ना दिया करें। उन्हें पता होता है कहीं बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जो ज्यादा एक्सप्लेन देता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपने आप के अंदर छुपाने के लिए वो झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। टीचर फिर भी बात सुनता है, इग्नोर करता है, कोशिश करते चले बेटा देखिए करते हैं, लेकिन बहस नहीं करनी चाहिए, बात सुनी करें। जिसके पास फैसला भी गया हो, किस टीचर के पास भी फैसला गया हो, तो कम से कम उसकी बात सुन लें। जब हम अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं तो ये गलत होता है, अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते, उस्ताद उस्ताद ही होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लगता बच्चे बोर हो गए। ओके, अब टाइम क्योंकि मैंने 5 मिनट के मांगा था और मुकम्मल 5 मिनट हो गए हुए हैं, तो अब मैं, मेरा ख्याल है कि एक टीचर रहता है जिसको हमने इनाम नहीं दिया, कौन से? सर अकबर, आप स्टेज पर आए और अपना इनाम जो है वो वसूल करें मेरी हाथों से। क्लैपिंग होनी चाहिए सर का। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे भी मिलेगा, नहीं तो मैं तो रोता हुआ जा रहा था कि मैं रह गया हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए, शुक्रिया सर आजम का और इस फखर एकेडमी का कि जो है जो हमें बच्चों के साथ साथ हमारे भी हौसला अफजाई करते हैं। तो अब हम क्लोजिंग एंड की तरफ आते हैं, छोटी सी दुआ कर लेते हैं, काइंड आप लोग भी हमारे साथ इस दुआ के साथ शमूलियत कीजिएगा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको उनकी नेक ख्वाहिशात और नेक मुरादें पूरी करने की तौफीक अता फरमा, उनको अपने वालदैन का, अपने वालदैन के साथ साथ अपने उस्तादा का और अपने हमसायों का, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों सब की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। ये बच्चे जहाँ पर जिस मकसद के लिए आए थे अल्लाह ताला उन बच्चों को उनके मकासद हासिल करने में उनकी मदद फरमा। इस दुनिया में जितने ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं सकते हमें उनकी भी मदद करने की तौफीक अता फरमा और उनको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इन सब बच्चों को अपने अपने घर वालों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा, अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमा। जो बच्चे अपने माइंड में नेक ख्वाहिशात लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, अल्लाह ताला उन सब की मुरादें नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। अब हम लास्ट पे जो है इस एकेडमी के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस एकेडमी को इसी तरह तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए और इस एकेडमी में जो भी जिस तरह भी कोई टीचर आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, इस तरक्की के अंदर जो है अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस एकेडमी के ऑनर को सेहत तंदुरुस्ती दे और इस एकेडमी के ऑनर को जो है मजीद अपने बच्चों के लिए, अपने उस्तादा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो दुआ हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार के लिए मांगना चाहते थे नहीं मांग सके, अल्लाह ताला वो भी पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा लास्ट पे मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि बॉयज़ है वो पहले, गर्ल्स अभी इधर ही बैठे जी, लास्ट पे जो है वो कौमी तराना हो जाए, कौमी तराने के लिए आप सब अपने अपने निश्चित पर खड़े हो जाए।
भी। चलिए आप लोग अपनी